नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे नंबर सीरीज, जो कि टॉपिक दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमने इससे पहले आपको करा दिया था अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग रिकॉर्डिंग खत्म हो गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर सीरीज बहुत ही आसान टॉपिक हो जाएगा। इसमें बस आपको जो मैथमेटिकल नंबर होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनसे बस इसमें लॉजिक लगेगा और उस लॉजिक को, उस रिलेशन को आपको समझना है। तो कौन किस प्रकार से रिलेशन लेगा, बस आप क्वेश्चन देखते ही आपके मन में एक फीलिंग आएगी, भावना आएगी क्वेश्चन को देखने की, कि ये इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगा होगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 4, 7, 11, 18 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन ये दिए होंगे, ये NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए होंगे और इसमें आपको कोई लॉजिक लग रहा होगा इन नंबरों, ये नंबर क्यों दिए होते हैं, स्टार्टिंग में नंबर क्यों दिए होते हैं, क्योंकि आप पता कर सकें कि यहाँ पर क्या आएगा, किस प्रकार से हमारा लॉजिक चल रहा है, इनमें किस प्रकार से पैटर्न चल रहा है, क्या रिलेशन लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर हम निकाल सकें। तो इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और यहाँ पर पूछ रहा होगा क्या आएगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ ही स्टेप होते हैं जो हमको याद रखने हैं और उनसे ही हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं क्या लग रहा होगा इनमें, क्या पैटर्न लग रहा होगा, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हो रहा होगा, या फिर स्क्वायर, क्यू, ये हो रहा होगा, प्लस माइनस एक साथ हो रहा होगा, मल्टीप्लाई प्लस एक साथ हो रहा होगा, डिवाइड प्लस हो रहा होगा, या क्यू प्लस, क्यू माइनस, या क्यू मल्टीप्लाई, इस प्रकार से बनाई गई होगी ट्रे, जो उसमें लॉजिक बनाया गया होगा वो इन्हीं को यूज करके बनाया गया होगा। तो दोस्तों, आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है, नंबर सीधे हैं तो नंबरों से ही इसमें बनाया गया होगा। तो अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कर दें। तो अब पहले इस क्वेश्चन को ही देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में हम एक चीज देखें, पहले सबसे पहले क्या करते हैं लोग, इनका डिफरेंस निकाल के चलते हैं। तो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 1, यहाँ पर देखेंगे तो कितना, 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 1, 3, 4, 7, यानी कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब इसी तरीके से अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो क्या होगा, 3 और 4 को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 7, 7 और 4 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 11, और 7 और 11 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। अब 18 और 11 को हमको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 29, कितना 29, तो 29 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। अब इनका हमने डिफरेंस निकाल लिया, तो एक और लॉजिक लग सकता है इसमें, डिफरेंस निकाल लिया है तो ये देखिए, 3 से यहाँ 3 आ गया, 4 ये आ गया, 7 ये आ गया। अब इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। अब 29 और 18 के बीच में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इससे भी पता लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं और क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो आपने नहीं देखी है और जो इससे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज वाली वीडियो करा चुके हैं वो चैप्टर, वो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों, अब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, 8, 12, 16, 20, अब यहाँ पर पूछ रहा है हमसे क्या आएगा। तो दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो क्या रिलेशन बन रहा है। तो दोस्तों, जब इनके बीच का रिलेशन हम निकालेंगे तो सबसे पहले अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस करके देख लें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखें तो 4, यहाँ पर 4, तो इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इसमें माइनस की सीरीज चल रही थी,
तो आपको बस यही चीजों पर ध्यान देना है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 2 7 2 7 16 क्वेश्चन मार्क, 46 67 46 67 92। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, तो आप इसमें देखें कि क्या पैटर्न लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। जब कोई संख्या अचानक से छोटी से एकदम बड़ी हो जाए तो उसमें देखेंगे हम क्या लॉजिक लग रहा है। तो अब इनके बीच का पहले डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस कितना आया, 5। यहां पर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया, 8। और यहां पर देखेंगे डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो दोस्तों इसका डिफरेंस आ जाएगा 21। तो यानी कि डिफरेंस है तो काम चलेगा नहीं। अब दूसरा लॉजिक देखते हैं हम, तो दूसरा लॉजिक क्या लग रहा होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें अब हम डिफरेंस निकाल कर देखते हैं, तो कितना यहां पर कितना हो जाएगा, 5। यहां पर 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। अब यहां पर हमको पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहां पर पूछा, बीच में, यानी यहां पर हमको बताना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 21। अब इन दोनों के बीच में 92 और 67 के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी 25। अब दोस्तों क्या करना होता है, हमको डबल डिफरेंस तक जाना होता है, यानी डबल डिफरेंस निकालेंगे। डबल डिफरेंस क्या होता है, एक बार डिफरेंस निकाल लिया फिर उसके बाद जो डिजिट आएंगे उनके बीच का अंतर। तो अब इन दोनों के अंतर कितना हुआ है, 4। यहां पर देखेंगे तो 4, तो यानी कि 4 4 सेम आ जाएगा। तो अब 4 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगी, 13। अब 13 हो जाएगा और 4 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 17। यानी 13 और 17 यहां पर आ जाएंगे। अब अगर 13 इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये 7 में 9 जोड़ा था जब ही तो 16 आया था, अब 13 इसमें जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 29। कितना आएगा, 29। अब 29 में 17 जोड़ देंगे तो 46। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 29 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस कराएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आपको करा देंगे, और सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप बस वीडियो को पूरा देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 25 49 81 121 क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप कैसे, इनमें देखकर क्या मतलब कि क्या आ रहा है, क्या लॉजिक लगा होगा, क्या रिलेशन बना होगा। तो दोस्तों नंबर को देखकर ही एक अपने आप में वो आता है कि इसमें ये लॉजिक लगा होगा, नंबर देखकर 25 49 देखकर। अगर आपके नहीं आ रहा है ये चीज़ समझ में, तो आपको थोड़ा बेसिक अपना मजबूत करना होगा, जिसके लिए हमारी बेसिक वीडियो डली हुई है वो सब सीखने की, स्क्वायर की यूज़ की, तो दोस्तों वो भी सीख लें। तो अब इसमें देखेंगे हम, तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर होता है 49, 81 9 का स्क्वायर होता है, 21 11 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों 5 7 9 11, तो ये कैसी संख्या है, ये ऑड डिजिट, कैसी डिजिट है, ऑड डिजिट, ऑड डिजिट चल रही है, यानी 5 7 9 11, तो नेक्स्ट क्या आएगी, 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होगा 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो दोस्तों ऑड डिजिट हो सकती हैं, यहाँ पर इवन डिजिट भी हो सकती है, इवन डिजिट का स्क्वायर हो रहा हो और प्राइम नंबर हो रहा होगा, प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2 2 से स्टार्ट होता है, और पहला और ये एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो 2 हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप ये सब नोट करते हुए चलें। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है
0, 2, 6, 0, 2, 6, 12, 20। अब आपको बताना है 0, 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन हुआ। दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 2018 में। तो अब आपको ये क्या इसमें रिलेशन है तो ये पता करना है। तो हम स्क्वायर के ही कर रहे हैं क्वेश्चन, तो स्क्वायर की ट्रिक इसमें लगी होगी, तो इस प्रकार भी स्क्वायर के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखना इसमें क्या किस प्रकार से स्क्वायर का है, तो यानी कि एक का स्क्वायर करेंगे एक माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे दो का स्क्वायर करेंगे और दो माइनस कर देंगे, यहाँ पर तीन का स्क्वायर करेंगे और तीन माइनस कर देंगे, यहाँ पर चार का स्क्वायर करेंगे और चार माइनस कर देंगे, और इसमें पाँच का स्क्वायर करेंगे और पाँच माइनस कर देंगे। तो दोस्तों जब दो का एक का स्क्वायर करेंगे एक माइनस कर देंगे जीरो आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे दो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा दो आ जाएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे माइनस तीन कर देंगे तो कितना हो जाएगा छः हो जाएगा, चार का स्क्वायर करेंगे माइनस चार तो बारह, इसी प्रकार से ये चल रहे हैं। तो अब हमको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर करना होगा और जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी को हमको माइनस करना है। तो अब हम इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा ये 30, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 30, तो 30 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं स्क्वायर पर, यहाँ पर प्लस भी हो रहा होता है या मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बस आपको थोड़ा अपने माइंड को एक्टिव रखना है और इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों और दूसरे टाइप पर चलते हैं। तो दोस्तों 1, 0, 3, 1, 0, 3, 2, 5, 6 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, 12, 9, 12, 9, 20 दोस्तों ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसमें बताना है क्या लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों आप इसको ट्राई करें देखें इसमें क्या लॉजिक लग रहा है जब आप इसका आंसर दें। तो अब हम दोस्तों अब देखें कि 1 से 2 यानी एक अगर हम लेटर छोड़कर चलते हैं, एक लेटर छोड़कर इस प्रकार से भी रिलेशन बनता है अल्टरनेट, एक लेटर छोड़कर दो लेटर छोड़कर तीन लेटर छोड़कर, तो एक लेटर छोड़कर अगर तीन पर जाते हैं 1 से 3 पर तो कितना आएगा अंतर 2, 1 में 2 ऐड हुआ है। अब यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, अब इससे जाएंगे यहाँ पर 5 पर तो 2 ऐड हुआ है, अब 5 से हमको यहाँ जाना है। अब एक और चीज़ देखते हैं हम, यहाँ से यहाँ पर हमको जाना है तो अब हम देखें तो 2 यहाँ पर हुआ है 2 यहाँ पर हुआ है, तो 2 अगर यहाँ कर दें तो कितना हो जाएगा ये 7, अब 7 में 2 यहाँ पर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 9। अब अगर वो पूछ लेता हमसे कि यहाँ पर क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा, यानी इस प्रकार से पूछ लेता, तो अब हम इसको तो बता सकते थे, इस वाले को तो बता सकते थे क्योंकि एक एक छोड़कर हमने पता कर लिया 2 प्लस हो रहे हैं सभी में, 2-2 प्लस तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या आया 11, यहाँ पर क्या आया 11, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा होगा तो हमको इस वाले नंबरों का भी रिलेशन पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या रिलेशन लग रहा होगा तो वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इनके बीच में कितना अंतर है 2 ऐड हुआ है, अब इससे यहाँ गए तो कितना 4 ऐड हुआ है, अब इससे यहाँ गए तो कितना प्लस 6, यहाँ से 20 पर पहुंचेंगे तो प्लस 8, यानी 2, 4, 6, 8 इसके बाद क्या आएगा, यानी इवन नंबर की सीरीज ऊपर चल रही है 2, 4, 6, 8 फिर क्या आएगा 10, कितना आया 10, तो अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 10 तो कितना हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो दोस्तों इस प्रकार से भी लॉजिक लग सकता है रिलेशन बना है, तो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा भी गया है दोस्तों, लेकिन उसमें सिर्फ यही पूछा गया था, अगर ये भी पूछा जाता तो हम बता सकते थे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 8, 9, 8,
8 9 8 8 9 8 8 8 7 9 8 8 8 7 8 6 8 6। तो अब हमको यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यानी कि हम यहाँ से 9 से 8 पर पहुंचे तो कितना करना होगा, माइनस 1। अब इस 8 से यहाँ 7 तक पहुंचे तो क्या करना होगा हमको, माइनस 1। अब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो क्या करना होगा हमको, माइनस 1। अब एक चीज देखें हम, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, अब ये रह गया तो ये 8 सेम उतार दिया, 0, कुछ भी ऐड नहीं किया, ये 8 एकदम 0। अब यहाँ पर 0 तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 8, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 8। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अब हम दूसरे टाइप पर चलते हैं। अब हमने इस प्रकार के दो क्वेश्चन कर लिए, तो अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है आप ट्राई करें। 7.4 8.7 7.4 8.7 10.0 10.0 11.3 11.3, फिर उसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन मार्क 13.9। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इनके बीच का पहले अंतर निकाल कर देखते हैं, तो अंतर से कुछ बन जाए पैटर्न। तो जब हम इनका अंतर करेंगे तो ये कितना होगा, 1.3। अब यहाँ पर देखेंगे कितना अंतर आ रहा है, तो दोस्तों ये भी 1.3 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 1.3, यानी इसमें 1.3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 1.3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 1.3 ऐड हो रहा है। तो अब हम इसमें भी तो 1.3 ऐड कर देंगे, जब इसमें 1.3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ये आया है 6 2 1, यहाँ पर पॉइंट लग गया है, यानी 12.6। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो ये भी 1.3 आया, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 12.6। क्या आंसर हो जाएगा, 12.6, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको सीरीज दी हुई होगी और उसमें पूछा होगा कि इसमें गलत कौन सा है, गलत डिजिट कौन सी है, उसको हमको चाट कर निकला होगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 0 6 24 0 6 24 50 120 210। तो दोस्तों ये सीरीज दी हुई है, अब इस सीरीज में कोई एक नंबर इनमें से गलत है, उसको हमको बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 24 50 210 और 120, यानी ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब हमको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक लग रहा हुआ, तो देखते हैं 0 6 24 50 120 210, यानी एकदम बढ़ रहे हैं, 0 से 210 तक पहुंच गए, तो स्क्वायर क्यू यही हो रहा होगा। तो दोस्तों इसमें देखते हैं करके, तो अगर हम इसमें भी नहीं यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये तो 36 तक ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी हम देखें कि यहाँ तक 6 पहुँच गया, और 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू होता है 216 है, 6 का क्यू कितना होता है 216 है, तो यानी कि ये इसके नज़दीक है। अब इसमें से हम 6 माइनस कर दें तो 210 हो जाएगा, तो कुछ हमको पता चला यहाँ से। अब इसका ट्राई करते हैं, यानी 5 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यू हमको पता है 125, और इसमें से 5 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 120। तो हमारा जो रिलेशन है वो हमको पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत लग रहा है। अब इसमें भी ट्राई करते हैं, तो 4 का क्यू करेंगे और 4 माइनस कर दें, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 4 का क्यू हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों 4 का क्यू हो जाएगा 64 माइनस 4, तो कितना आया, 60। अब यहाँ आकर हमारा लॉजिक फेल हो रहा है, इसमें ट्राई करें, क्योंकि एक संख्या तो हमको गलत बतानी ही है, तो अब शायद ये संख्या गलत हो। तो अभी हम और आगे इसी लॉजिक को देखते हैं, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब इसका क्यू करते हैं, तो 3 का क्यू करेंगे और 3 माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 3 यानी 24।
तो ये भी फॉलो हो रहा है। अब 6 पर चलते हैं, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 2, तो ये 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, और इसका क्यूब करते हैं 1 का क्यूब माइनस 1 यानी 0। तो दोस्तों ये सभी हमारे इसी लॉजिक को फॉलो कर रही है, यानी कि a का क्यूब माइनस a, ये रिलेशन लग रहा है इनमें, तो इस वाले में फॉलो नहीं हो रहा है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर 50। तो दोस्तों ये 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं दोस्तों, और आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है तो हम कल और इसी टाइप की वीडियो आपके लिए डाल देंगे, और उसमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके बताएं, और कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और किसी भी टाइप में अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द वे।